टीम आन पेपर है और शफी खान साहब जो बड़ी भोली भाली पर्सनालिटी वाले हैं वो लगातार उनके लभिल रहे हैं। इस मुकाबले को जीता जाएगा तभी चैन आएगा, अगर इस मुकाबले को हार जाएंगे तो आप नींद नहीं आएगी। आज किसको चैन आएगा, किसको करार आएगा, 5 मिनट भाई, किसकी नींद दूर उतरी जाएगी, किसकी नींद उड़ जाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि खिलाड़ी गेम शो करेगा या बेकरार करेगा, या बेकरार करेगा ये दिखा जाएगा। रजत चौधरी है, बहुत प्यारा ये खेल रहा, यहाँ पर थोड़ा सा लेट किया टीमों ने, रीगल स्पोर्ट क्लब इस खेल के साथ, इस खेल में आपकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है, और ये बहुत ही सुनहरा मौका है जो अभी एक टीम खेली थी, AR ट्रेवल टीम खेली थी, जिसमें विवेक नाम के खेले थे, हारने के बाद भी 5,000 के नाम दिया गया था, AR ट्रेवल हारने के बाद विवेक को 5,000, टीम राउंड से बाहर हो रही थी लेकिन कहा निराश मत हो जीजिएगा, आप ये 5,000 लीजिए और आराम से घर जाइए। ये आलम चौधरी जैसे नाम अगर टूर्नामेंट के साथ हैं, उम्र कम है लेकिन दिल बहुत बड़ा है आलम चौधरी का, मैं उसका स्वागत कर रहा हूँ आलम चौधरी का, कि आप जैसे बड़े लोग कि अलग बात की खामोश खड़े रहते हैं लेकिन बहुत बड़े दिमाग आप हैं, आपका मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। क्या दिलकश ये खेल होने वाला है, दोनों टीम वार्म हो रही है, पहले जब मैं कमेंट्री नहीं करता था मैं सोचता था कि ये लोग पहले थक जाएंगे तो फिर खेलेंगे क्या, ये मैं सोचता था कि वार्म हो रहे हैं थक जाएंगे, लेकिन जब तक अगर 15-20 मिनट कमेंट्री ना की जाए तब तक शुरू नहीं बनता है। हमारे स्कोर जो है बहुत अच्छी स्कोरिंग की है, मैं उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आपने बहुत अच्छा काम किया, रेफरी महोदय ने बहुत अच्छा काम किया, बाबू भाई टीम में कह रहा हूँ यहाँ पर क्या करेगी, बाबू भाई की टीम पे बहुत उम्मीदें हैं, और वो दोस्त बाहर के ये इस बॉल को आप लेके आए, लेकिन नासिक का जो ये ग्राउंड है रीगल स्पोर्ट क्लब के दर्शकों को बहुत कम ऐसे दर्शक देखने के मिलते हैं, इतने जिंदा दिल दर्शक, इतने जिंदा दिल यहाँ के कमेटी के लोग जो इनामों की बरसात करते रहते हैं, बेहतर और ये गेंद को बाहर किया है, बहुत जरा भक्का है, दो गेंद बाहर जा चुकी है, पकड़े भैया बाहर जा रही है, ये शफी खान साहब तो देख रहे हैं कितनी तेज मार रहे हैं, बाहर जा रही है, अब ये टीम क्या करेगी ये देखा जाएगा, और ये नॉकिंग में अपने आप को बिल्कुल लगा रहे हैं और किस तरह से अपने खेल को दिखाएंगे, ये 17 नंबर यानी के चर्चे का विषय बना है पूरे हिंदुस्तान में। हेलो, और ये नौजवान जो आदित्य ये दिल जीत रहा है अपने गेम से, आदित्य ये लौकर लौकर तगड़ी मैच ला लिया, जो वॉलीबॉल में परफेक्ट पर्सनालिटी होती है काय काय वो आदित्य के है, अब आदित्य की जिम्मेदारी है कि कितनी मेहनत करेगा, अच्छा ये मैच जासूस लागल चांगली मैच है, स्टेमिना वाला है वॉलीबॉल, स्टेमिना वाला गेम है, हां एक 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 डेढ़ तास का आराम लगा, बहुत ही शानदार ये खेल यहां पे दोस्त होने वाला है, और ये एसएस के नहीं थे भाई की बात है, आता दोनों ने सेट है सेमी फाइनल से, दोनों ने है वो टीम बड़ी मजबूत बताई जाती है, और आज इन्हें शाहरुख भाई ने शाहरुख तो आणि जो मागच्या टाइम त्यांनी फायनल मारली होती तो गोरा जिंकता नाही का तो ऊंची इमारत हर खड़ी खतरे में रहती है, देर तक इस शख्स के हिस्से में रहती है, तो दोनों टीम एकदम तगड़े मैच है, आज तो चाला दिखेगा किस तरह से अपने गेम को शो करेंगे देखा जाएगा, और नाम ने लक्ष्य दिया बहुत मुश्किल ये खेल गेम होने वाला है, हां चांगली है नहीं आते ये टीम सफर बड़े होते बड़े रहना भी, इतना मुश्किल है बड़े होते बड़े रहना भी।